हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर अभिलाष मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इंजीनियर्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्यूब टेस्ट के बारे में। यदि आप इंजीनियर्स हैं, यदि आप ठेकेदार हैं, यदि आप मिस्त्री हैं और यदि आप अपना घर बनवा रहे हैं तो आपको क्यूब टेस्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर यदि आप बनवा रहे हैं तो उनमें आप कई सालों की कमाई लगा रहे हैं। कई सालों के लिए आप घर बनवा रहे हैं, ना कि एक सालों के लिए, ना कि पाँच सालों के लिए। इसलिए जो आप अपना मकान बनवा रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ को ज़रूर चेक करना होता है। तो उसी में से हम एक टेस्ट के बारे में बताएंगे, क्यूब टेस्ट के बारे में, कि उसमें जो कंक्रीट यूज हुआ है वो सही ग्रेड का हुआ है कि नहीं हुआ। क्योंकि ठेकेदार जब काम कराते हैं तो वो कंक्रीट वो पैसा बचाने के चक्कर में बदमाशी कर जाते हैं और आपके घर को अंदर ही अंदर खोखला कर जाते हैं। उसकी जो स्ट्रेंथ है वो नहीं मिल पाती है, इसलिए आपका जो पैसा आपने जो इन्वेस्ट किया है घर बनाने में वो बेकार चला जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि क्यूब टेस्ट क्या है, इसको कैसे करते हैं और हम करके भी दिखाएंगे कि साइट पे हम कैसे करते हैं। तो बने रहिए, देखते रहिए हमारी इस वीडियो को एंड तक। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये क्यूब है, कुछ ऐसे क्यूब आप साइट पे देखेंगे। जो इंजीनियर्स हैं, जो अभी सुपरवाइजर हैं, जो एक हाई लेवल पे जाना चाहते हैं, या आप साइट इंजीनियर हैं, तो आप एक क्यूब तो ज़रूर साइट पे देखे होंगे आप। ये आप अभी फ्रेशर्स हैं तो आप जब साइट पे जाएंगे तो कुछ ऐसा क्यूब आपको साइट पे दिखेगा। और यदि आप अपना घर बनवा रहे हैं तो आपको कुछ ऐसा साइट पे क्यूब मंगवाना है ठेकेदार से। एक क्यूब टेस्ट क्या यूज होता है, इट इज़ यूज टू फाइंड आउट जो आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की 28 दिन के क्यूरिंग के बाद। जब आप टेस्ट करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का यूटीएम मशीन में, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में, तो उसका स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए एक क्यूब को हम बनाते हैं साइड पे, क्यूब कास्ट करते हैं। ये जो क्यूब का साइज होता है वो होता है 15 सेंटीमीटर × 15 सेंटीमीटर × 15 सेंटीमीटर। एक क्यूब का जो साइज होता है बैरी हो सकता है, ये 15 सेंटीमीटर की जगह पे 10 सेंटीमीटर भी हो सकता है, क्योंकि ये फुली डिपेंड होता है साइज आप एग्रीगेट। यदि आप 20 एमएम का एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, उससे हायर डाया का एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, तो आपको 15 सेंटीमीटर का क्यूब यूज करना है। यदि आप 10 एमएम या 20 एमएम के ब्लो का एग्रीगेट यूज कर रहे हैं तो आपका 100 एमएम का जो क्यूब होता है उसमें भी काम कर सकते हैं आप। ये देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि पर एम क्यूब पे कितने हमें नंबर आप सैंपल बनवाना है। एक सैंपल में 3 क्यूब और कहीं कहीं 6 क्यूब होते हैं। एक क्यूब जो होता है 7 दिन टेस्टिंग के लिए होता है, एक 14 दिन के लिए, एक 28 दिन के लिए। ये आपके आईएस कोड में मेंशन है, 456 में आपको ये टेबल मिल जाएगी कि यदि जो आपकी कंक्रीट की कास्टिंग हो रही है, क्वांटिटी है ये 5 एम क्यूब तक की कास्टिंग हो रही है, तो आपको एक सैंपल बनाना है। और आपकी यदि 6 एम क्यूब के लेके 15 एम क्यूब तक की कास्टिंग हो रही है तो आपको 2 सैंपल मंगवाना है। और आपको यदि 16 एम क्यूब से लेके 30 एम क्यूब तक की कास्टिंग आप करवा रहे हो तो 3 सैंपल। और यदि आप 31 एम क्यूब से लेके 50 एम क्यूब तक की कास्टिंग करा रहे हो तो आपको 4 सैंपल बनवाना होगा। अब बात करते हैं कि यदि 50 एम क्यूब से ज़्यादा हम कास्टिंग करा रहे हैं अपने साइट पर, तो उस केस में आपको एक सैंपल एडिशनल लेके चलना है। ये देखिए AIS कोड में डिफाइन किया गया है, मैं यहाँ मेंशन किया हूँ, और कुछ ऐसे क्यूब कास्ट होता है साइट पे। आगे चलते हैं। क्यूब टेस्ट के लिए इंजीनियर एक स्पेशल IS कोड होता है IS 5161959। इसमें पूरी प्रोसेस दी रहती है क्यूब कास्ट करने से लेके उसकी टेस्टिंग तक की। अब देखिए कुछ पॉइंट देख लेते हैं। टैंपिंग राड या टैंपिंग बार बोलते हैं, टैंपिंग राड जो होती है वो क्या करते हैं, जब हम क्यूब डालते हैं लेयर बाई लेयर तो हम उसमें हर लेयर में कुछ स्टॉक लगाते हैं, उसके लिए हम टैंपिंग राड का यूज करते हैं। टैंपिंग राड की जो लेंथ होती है वो 600 एमएम की होती है और जो इसका डायमीटर होता है वो आपका 16 एमएम का होता है। इसके बाद आप देखिए कि जब आप आईएस कोड 516 1959 में जाएंगे तो 2.1 क्लॉज में आप देखेंगे कंपैक्शन के बारे में बताया गया है कि आपको कितने लेयर में भरना है और कितने स्टॉक लगाना है। तो अब देखिए ये बता रहा है कि हर 5 सेंटीमीटर के बाद, या यूं कहें कि 50 एमएम के बाद आपको कंपैक्शन बनाना है। तो क्यूब की साइज अपन कितनी ले रहे थे, 150 एमएम, तो कितने लेयर में भरेंगे इसको, 3 लेयर में, 50 50 एमएम की 3 लेयर भरेंगे और इसमें फिर हम कंपैक्ट करेंगे। कितना करना है ये देखिए, जो कंपैक्ट करना है, यदि हमारी क्यूब की जो साइज है 15 सेंटीमीटर × 15 सेंटीमीटर × 15 सेंटीमीटर है तो हमको 35
टाइम इसमें स्टॉक लगाना है। यदि यही साइज 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर की भी हो सकती है तो उस केस पे आपको 25 स्टॉक लगाना है। ये बैरी करेगा आपके क्यूब के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। इसको डिटेल में समझने के लिए हम आगे की ओर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि साइट पे कैसे करते हैं क्यूब कास्टिंग, कैसे लेयर बाई लेयर भरा जाता है, कैसे उसमें स्टॉक लगाया जाता है, पूरे डिटेल में आपको हम दिखाते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पास कंक्रीट रखा हुआ है और साथ ही साथ इसमें क्यूब रखे हुए हैं, नंबर ऑफ क्यूब जो कि बिल्कुल क्लीन है, क्यूब टेस्ट के लिए रेडी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मिक्स कर रहा पूरी तरह से, अब ये भरेगा लेयर बाय लेयर। जैसे कि हमने बताया था क्यूब को कितनी लेयर में भरा जाता है, क्यूब को 3 लेयर में भरा जाता है। पहली लेयर ये डाल चुके हैं और इसमें कुछ खाली भी क्यूब हैं जिसमें ऑयलिंग लगा के रेडी हैं ये क्यूब टेस्टिंग के लिए। क्यूब को ये 3 लेयर में भरेंगे, मतलब ये 50-50 mm की 3 लेयर भरेंगे तभी तो 150 mm होगा ना। आप देख रहे हैं कि एक लेयर भर दिए इसमें 50 mm की। जैसे ही एक लेयर भरोगे तो इसको पूरी तरह से कंपैक्ट करोगे। यदि आप हैंड कंपैक्शन कर रहे हो तो आप 35 स्टॉक लगाओगे और इसको पूरी तरह से कंपैक्ट करोगे। यदि वाइब्रेटर का सहारा ले रहे हो तो अलग चीज़ होती है। ये आपकी पहली लेयर रेडी हो चुकी है सब में। अब डालते हैं दूसरी लेयर। दूसरी लेयर डालने के बाद भी आप देखेंगे कि इसमें भी हम कंपैक्शन करेंगे। यदि आप हैंड कंपैक्शन कर रहे हैं तो आप कितने 35 स्टॉक लगाए, देखिए लगा रहे हैं, तो आपको ईच लेयर में 35 स्टॉक लगाना है। ये तीसरी लेयर भरी जा रही है, दो लेयर भर गए, अब ये तीसरी लेयर भरी जा रही है 50 mm की। इसमें भी 35 स्टॉक लगा के इसको फिनिश कर देंगे। तीसरी लेयर में भी स्टॉक लगाना स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए इसको कंपैक्ट कर रहे हैं ना कंपैक्ट। और तीसरी लेयर कंप्लीट होने के बाद देखिए इसको बिल्कुल पूरी तरह से क्लीन कर रहे हैं, बढ़िया स्मूथ बना रहे हैं। देखिए पूरी तरह से स्मूथ बना रहे हैं। देखिए आपका क्यूब रेडी हो चुका है। अब इसको हम एक दिन के लिए रख देंगे और इसको ओपन करके हम टैंक में रख देंगे जिसमें पानी भरा होगा और इसके बाद आगे की प्रोसेस होगी। इंजीनियर, अब आपको समझ में आया होगा कि क्यूब को साइट पे कैसे भरा जाता है और क्यूब कास्टिंग होने के बाद आपको दूसरे दिन क्यूब को ओपन करना है। देखिए क्यूब बॉक्स ओपन हो चुके हैं क्यूब, और इसमें डेट मेंशन करना है। अब डेट क्यों मेंशन करते हैं, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि ये क्यूब कितने दिन का हुआ। तो यहाँ पर डेट मेंशन करना है और ले जाके जो आपका वाटर टैंक होगा इसको क्यूरिंग के लिए रख देना है। और इसके बाद हमको क्यूब को टैंक से निकालना है 7 दिन में, 14 दिन में, 28 दिन में। और UTM मशीन आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं UTM मशीन, इस UTM मशीन में आपको रखना है और टेस्ट करना है। टेस्ट करने के बाद आपका जो तीनों का एवरेज आएगा उस एवरेज को आपको चेक करना है। वो आपकी जितनी भी ग्रेड की आप कंक्रीट यूज करते हो, जैसे आप यूज कर रहे थे M20 ग्रेड की, तो 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो आपका जो कंक्रीट है वो वीक है। तो गाइज आई होप समझ में आया होगा आपको। तो इंजीनियर चलिए चलते हैं, मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।